नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस को मिली एक अहम जानकारी। रिया चक्रवर्ती करती थी उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। अब समाचार विस्तार से। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या करने के बाद चल रही पुलिसिया छानबीन में हर रोज कुछ न कुछ नए खुलासे जरूर हो रहे हैं। वह बात अलग है कि अभी तक पुलिस को हाथ कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत या गवाह नहीं लगा कि जिससे कि सुशांत की आत्महत्या को संदिग्ध करार दिया जाए। शुक्रवार को इस केस में एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस को सुशांत के बैंक अकाउंट के विवरण मिले, जिससे उन्हें पता चला कि सुशांत के अलावा उनकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती भी उनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया करती थी। सुशांत के मामले में पुलिस अब तक उनसे जुड़े 3 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। साथ ही पुलिस सुशांत के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी जांच करवा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। शुक्रवार को ही पुलिस ने सुशांत के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर केरसी चावड़ा से भी पूछताछ की है। इसके बाद पुलिस फिर से सुशांत के परिवारजनों, दोस्तों, नौकरों और रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि रिया के पिछले साल के यूरोप टूर का खर्चा भी सुशांत ने ही उठाया था। इतना ही नहीं, सुशांत का क्रेडिट और डेबिट कार्ड का पिन कोड और पासवर्ड की जानकारी भी रिया के पास थी। खबरों के मुताबिक कई बार रिया सुशांत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड को अपने साथ लेकर बाहर निकलती थी और कई दिन तक यह कार्ड रिया के पास ही रहते थे। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार सुशांत का मामला पूरी तरह से आत्महत्या की ओर इशारा करता है। खबरों के अनुसार अब पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए सुशांत के बैंक अकाउंट के विवरण मिले हैं, जिसके पिछले 11 महीनों के रिकॉर्ड बताते हैं सुशांत के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से रिया भी शॉपिंग करती थी।